बजट पेश कर दिया है, देश का बड़ा तोहफा वेतन भोगी कर्मियों के लिए स्टैंडर्ड डिक्शन डिडक्शन किया गया है। इसमें इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही दिल्ली से, जहां 0 से 3 लाख की आमदनी पर टैक्स नहीं लगेगा। तो मोबाइल फोन चार्जर पर कस्टम ड्यूटी घटकर 15% हुआ है। इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही बजट में, बिहार और आंध्र प्रदेश पर मेहरबानी दिखी वित्त मंत्री जी। बिहार को 41 और आंध्र प्रदेश को तो मुद्रा लोन की रकम 10 लाख से बढ़ाकर के तकरीबन 20 लाख कर दिया गया है। इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है, राजधानी दिल्ली से पीएम आवास में 3 करोड़ नए आवास बनाए जाएंगे। 1 करोड़ पीएम सूर्य घर, मुफ्त बिजली मिलेगा। तो बजट पेश किया गया है, 1 करोड़ युवाओं को तकरीबन 500 टॉप कंपनियों में इंटर्नशिप दिया जाएगा। तो देश का बजट पेश किया वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने, और इस बजट में वेतन भोगी कर्मियों के लिए स्टूडेंट स्टैंडर्ड डिडक्शन किया गया है। 0 से 3 लाख तक की इनकम पे कोई भी टैक्स नहीं होगा। बता दें आपको कि सोलर लाइट सस्ती हो गई इस बजट पर, और इसके साथ ही सोना और चांदी पर भी कस्टम ड्यूटी घटी है। अब सोना चांदी घट करके 6% अब देना होगा। तो बुनियादी ढांचे की अगर बात करें तो उसमें भी बम्पर निवेश होगा। बाढ़ में निपटने के लिए तकरीबन 25,000 बस्तियों में मौसम के अनुकूल सड़क बनेंगे। तो इस बजट में टूरिज्म पर विशेष जोर दिया गया है, और साथ ही साथ उड़ीसा के पर्यटन को भी बढ़ावा देगी सरकार। 5 करोड़ आदिवासियों के लिए उन्नत ग्राम अभियान इस बजट में। तो मुद्रा लोन की लिमिट तकरीबन 10 लाख से बढ़कर के 20 लाख कर दी गई है। वही पूर्वोदय स्कीम में अब पूर्वी भारत पर ध्यान दिया गया है। इस बजट पर तकरीबन पूर्वी भारत में 5 राज्यों को भी शामिल किया गया है। तो टॉप 500 कंपनियों में तकरीबन 1 करोड़ युवाओं को इंटर्नशिप का मौका दिया जाएगा। बिहार में अब सड़कों का जाल बिछेगा। तो बिहार पर इस बजट में खास नजर है। तो बिहार में तकरीबन सड़कों का जाल बिछने हैं। बजट में तकरीबन 26,000 करोड़ का प्रावधान है, और इस बजट में महिला और लड़कियों के लिए तकरीबन 3 लाख करोड़ बजट रखा गया है। वही एजुकेशन लोन के ब्याज पर तकरीबन छूट दिया गया है। तो 9 सूत्रीय 5 स्कीम्स की घोषणा कर दी गई है। वही राज्य और रोजगार और कौशल प्रशिक्षण से जुड़े 5 स्कीम के लिए 2 लाख करोड़ का बजट इसमें बनाया गया है। वही मुश्किल दौर में चमक रही इंडियन इकोनॉमी। बजट से पहले सियासी बयानबाजी भी हो रही थी, लेकिन फिलहाल दिल्ली से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है। बजट पेश कर दिया है वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने, और इस बजट में बिहार को खास ध्यान में रखा गया है। बिहार के लिए बहुत कुछ है। तो वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आज तीसरे कार्यकाल का पहला बजट पेश किया है, और यह बजट किसानों से लेकर युवाओं और महिलाओं पर फोकस है। रोजगार से लेकर एग्रीकल्चर तक बजट की 9 प्राथमिकताएं हैं। और इस बीच निर्मला सीतारमण ने बजट भाषण के दौरान युवाओं के लिए बड़ा ऐलान भी किया। उन्होंने 1 करोड़ युवाओं को खुशखबरी दी है।
बजट 2024 में निर्मला सीतारमण ने कहा कि देश के टॉप कंपनियों में युवाओं को ट्रेनिंग दी जाएगी, जिसके लिए हर महीने इन युवाओं को 5,000 रुपए मासिक भत्ता दिया जाएगा। ये मासिक भत्ता प्रधानमंत्री इंटर्नशिप योजना के तहत 12 महीने तक के लिए होगा और युवा 12 महीने तक ही इन कंपनियों में इंटर्नशिप कर सकते हैं। हालांकि देश के टॉप कंपनियों को अगले 5 साल में 1 करोड़ युवाओं को ट्रेनिंग देनी होगी। इस बजट में युवाओं को भी खास ध्यान में रखा गया है, साथ ही साथ महिलाओं को खास ध्यान में रखा गया है। तो पहला बजट मोदी 3.0 का पहला बजट पेश कर दिया है वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने, और वित्त मंत्री के रूप में यह लगातार 7वां बजट है। बजट में अलग अलग करता हूं, मेरे साथ बैठे हैं सीए जेपी शर्मा, वो डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट टैक्स पे अपने विचार रखेंगे। मोदी 3.0 का पहला आम बजट आ गया है, पेश हो गया है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट पेश किया, इसे संसद में पेश किया है वित्त मंत्री के रूप में। ये उनका लगातार 7वां बजट है। तो बजट में अलग अलग सेक्टरों के लिए कई घोषणाएं की गई, लेकिन आम आदमी की जेब पर किस चीज का बोझ बढ़ा है और किस ऐलान ने उन्हें राहत दी है, तो बता दें आपको कि सबकी निगाह इस पर थी कि आम से लेकर खास सबकी निगाहें बजट पर थी। अब देखने वाली बात यह होगी कि आम लोगों के जेब पर क्या बोझ पड़ता है या उनकी जेबें हल्की होती है। आपको बताते हैं कि सस्ता क्या हुआ है और महंगा क्या हुआ है। कई चीजों पर कस्टम ड्यूटी घटाई गई है, वही इनमें प्रमुख तौर पर कैंसर की दवाइयों को शुल्क मुक्त कर दिया गया है। देश में लगातार इस अंतरिम बजट में हमने देखा कि गरीब महिलाएं युवा और अंधता पर फोकस किया गया है। निर्मला सीतारमण ने कहा कि भारतीय अर्थव्यवस्था लगातार चमक रही है, पूर्ण बजट भी इन पर केंद्रित है और हमारा कृषि क्षेत्र में उत्पादन बढ़ाने पर जोर है। तो विकसित भारत के लिए ये पहली प्राथमिकता है, उन्हें सरकार के 9 प्राथमिकताओं को गिनाया है। उन्हें इनमें एग्रीकल्चर सेक्टर के साथ ही शहरी विकास, रोजगार और स्किल डेवलपमेंट, कृषि रिसर्च, ऊर्जा सुरक्षा, इनोवेशन रिसर्च और ग्रोथ अगली पीढ़ी में शामिल है। वही वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बड़ा ऐलान करते हुए कहा कि कैंसर की दवाएं सस्ती होंगी। तो आपको सीधे ना चलते हैं जमशेदपुर चैंबर में, जहां पर हमारे संवाददाता प्रभात मौजूद हैं। उनसे जानेंगे क्या कुछ प्रतिक्रिया है। प्रभात, क्या कुछ वहां पर प्रतिक्रिया नजर आ रही है, क्योंकि बजट पेश हो गया है, सबकी निगाहें थी इस बजट पर। प्रभात, क्या कुछ तस्वीरें बयां कर रही हैं? बिल्कुल, देखिए निशु, पूरे देश की निगाह थी, जैसे आज वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट पेश किया और मैं इस वक्त हूँ चैम्बर में, चैम्बर के सारे पदाधिकारी यहाँ पे हैं। हम इन लोग से जान लेते हैं कि इस बार का जो बजट आया है, आप बजट को किस तरीके से देखते हैं, अगर इंडस्ट्री सेक्टर में बताया जाए, देखा जाए तो? बजट इज़ इन लाइन विथ एक्सपेक्टेशन, जैसा इनका एक लास्ट कई सालों से चल रहा था उसी लाइन पे ये बजट है। और बहुत खुशी की बात है कि कैपेक्स और हाउसिंग डेवलपमेंट में इन्होंने फोकस बनाए रखे हैं, उसमें अच्छा एक्सपेंस होने वाला है, जो कि डायरेक्टली इनडायरेक्टली हमारे इस क्षेत्र के लिए बहुत फायदेमंद है, क्योंकि उसका मेन रॉ मटेरियल स्टील एंड सीमेंट होता है। और जैसा कि हम जानते हैं झारखंड का एक मूल बिजनेस इज स्टील नाउ, तो बड़ी खुशी है कि वो उन्होंने मेंटेन किया और बाकी सहूलियत भी जो दी है वो हम वेलकम करते हैं।
आप किस तरीके से देखते हैं सर कि पूरे अगर हम बात करें देश के बाद फिर झारखंड के लिए? देखिए, झारखंड के लिए इस बजट में बहुत कुछ नहीं है। हम लोग देख रहे थे कि टूरिज्म के तौर पर झारखंड में डेवलपमेंट हो, कुछ बजट पे एलोकेशन हो टूरिज्म को लेके, लेकिन झारखंड के बगल स्टेट बिहार और उड़ीसा के लिए टूरिज्म में ध्यान दे रही है भारत सरकार। बिहार में बोधगया में गया में कॉरिडोर बनने की प्रस्ताव रखा गया है बजट में। नालंदा को टूरिज्म स्पॉट डेवलप किया जा रहा है, राजगीर को डेवलप करने की प्लानिंग है। उड़ीसा में कोस्टल एरिया में बीचेस जितने हैं उनको डेवलप करने का, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी उड़ीसा में बनाने का प्लान सेंट्रल गवर्नमेंट का है, लेकिन झारखंड में टूरिज्म को लेकर कोई प्लानिंग ना स्टेट गवर्नमेंट की तरफ से हो रहा ना सेंट्रल गवर्नमेंट के इस बजट में कोई प्लानिंग दिख रहा है। तो झारखंड एक टूरिज्म हब बन सकता है जहाँ पर इतने वाटरफॉल्स हैं और इतनी अच्छी खूबसूरत है यहाँ, खूबसूरती है यहाँ पर, लेकिन अफसोस है कि यहाँ पर टूरिज्म में कुछ ध्यान नहीं दिया जा रहा है। और बाकी भी क्षेत्र जो है इंडस्ट्रियलाइजेशन है यहाँ पर, आप जमशेदपुर की बात करें तो टाटा ग्रुप ऑफ कंपनीज यहाँ पर है, इसके अलावा भी कोई बड़ी कंपनियाँ यहाँ पर आ नहीं पा रही है। और इसका मुख्य कारण लैंड है, क्योंकि लैंड अगर अवेलेबल होगा जिस स्टेट में वहाँ पर बड़ी इंडस्ट्री जाएगी। यहाँ पर लैंड का प्रॉब्लम है, उसके साथ साथ एयरपोर्ट का भी जो प्रॉब्लम है उसको भी दूर करने की सरकार सोच रही है। जब तक ये नहीं होगा तो यहाँ पर डेवलपमेंट नहीं हो पा रहा है। बिल्कुल, देखिए जिस तरीके से उन्होंने बताया कि झारखंड में भी बड़ी अपार संभावनाएं हैं टूरिज्म को लेकर, वो कहीं ना कहीं थोड़ी निराशा जैसे बिहार और उड़ीसा को उन्होंने रखा है अपने साथ, आप किस तरीके से देखते हैं पूरी बजट को? बजट बहुत ही संतुलित है और प्रगतिशील भारत की ओर है। बस झारखंड के लिए इसमें बहुत कुछ नहीं है, हालांकि युवाओं के रोजगार पे ध्यान दिया है सेंट्रल गवर्नमेंट ने, जो 500 कंपनीज को मिला के एक स्किल डेवलपमेंट का प्लान ला रही है, इससे काफी रोजगार लोगों को मिलेगा। इनकम टैक्स के स्लैब में छोटे मोटे चेंजेस हैं जिससे वर्किंग लोगों को फायदा मिलेगा, क्योंकि मैक्सिमम लोग वर्किंग उसी क्राइटेरिया में फॉल करते हैं। बाकी मिला जुला एक बजट है, बहुत कुछ अंतरिम बजट माने उम्मीद भी नहीं थी। झारखंड को अनदेखी हो रही है थोड़ी सी इसमें, झारखंड में अनदेखी हो रही है। जीएसटी को लेकर जो पहले भी बजट में आई थी बात, और इस बार आप किस तरीके से देखते हैं कि इस बार जैसे पूरा करने की बात आ रही है? देखिए, जीएसटी में कोई ऐसा मेजर इस बजट में तो अनाउंसमेंट नहीं हुआ है, बट मुझे लगता है कि जो इंटरिम बजट में जो अनाउंसमेंट थी सेक्शन 73 को लेकर के, इनपुट टैक्स क्रेडिट को लेकर के, वो आई थिंक वो इंप्लीमेंट धीरे धीरे अब होगा। और सबसे मेजर जो अनाउंसमेंट सेक्शन 73 की इंटरेस्ट और पेनल्टी में एमनेस्टी लाने की बात थी, आई थिंक अब बजट क्योंकि अनाउंस हो गया है, मे बी कल या परसों तक जैसा मुझे लग रहा है कि वो नोटिफिकेशन भी हो जाना चाहिए, जो कि बहुत बड़ा मेजर रिलीफ है। इसके अलावा मुझे लगता है कि कैपिटल एक्सपेंडिचर में जो बजट में 11 लाख करोड़ का बजट आया है कि वो खर्चा करेंगे, तो मुझे लगता है ओवरऑल देश के लिए बहुत बढ़िया है। मुझे लगता है कि जैसा अनाउंसमेंट हुआ कि करीबन 3-4% एंटायर बजट का पार्ट है, विच इज़ अ वेरी बिग थिंग एंड आई थिंक इट इज़ गुड फॉर द कंट्री। सीतारमन में एक जो कैंसर की दवाई है उस पर कहीं ना कहीं एक जोर दिया है, उसकी दवाओं में कम पैसे में कमी आएगी, तो उसको किस तरीके देखते हैं पूरे देश के प्रवेश? देखिए, निश्चित तौर पर जो बजट हम लोग सुन रहे थे आप लोगों ने भी सुना, अभी तो बजट की सारी विशेषताएं जो खुलकर बाहर आएंगी, जो ओवरऑल हम लोगों ने देखा ना, सरकार का इस बजट पर पूरा ध्यान आधारभूत संरचना को मजबूत करने पर है, स्किल डेवलपमेंट को लेकर है। तो निश्चित तौर से सरकार ये लोक लुभावन वादे इस बजट में मुझे सामने सामान्य तौर पर नहीं दिखाई दे, लेकिन आधारभूत संरचना को मजबूत करने वाला बजट है और निश्चित तौर पर इस बजट का जो प्रभाव है आने वाले दिनों में दिखेगा। और सरकार आयुध के क्षेत्र में, पहले भी उन्होंने कहा था इंटरिम बजट में कि आयुध के क्षेत्र में, दवाइयों के क्षेत्र में हम लोग काम करेंगे, और निश्चित तौर से ये जो घोषणा है उसी संदर्भ में दिखाई दे रही है। और हम लोग तो आशान्वित हैं कि अब ये जो घोषणा की है माननीय वित्त मंत्री जी ने धरातल पर उतरेगी और निश्चित तौर से जो हजारों करोड़ों लोग इससे ग्रसित हैं उनको फायदा होगा। रोजगार के क्षेत्र में भी एक कंपनीज बनाकर नए युवाओं को रोजगार देने की बात आई, वो किस तरीके से देखते? मैंने कहा ना कि पहले भी जा कि पहले सरकार ने स्टार्टअप पे जोर दिया, अब स्किल डेवलपमेंट पे जोर दिया, आज भी माननीय वित्त मंत्री जी जब बता रही थी तो युवाओं को रोजगार के बारे में बता रही थी। निश्चित तौर से हम लोग आशान्वित है क्योंकि देश में भी किसी की चीज की जरूरत है, आधारभूत संरचना को बढ़ाने के बाद रोजगार के अवसर पैदा करने की है। इंडस्ट्री बढ़ेगी, रोजगार बढ़ेगा, व्यापार बढ़ेगा, रोजगार बढ़ेगा, कहीं ना कहीं सरकार इस बारे में सोच रही है और हम लोग भी आशान्वित हैं कि सरकार यदि तरीके से काम करेगी तो ये सारी बातें धरातल पर आएंगी और आने वाला जो वर्ष होगा वो देश का होगा। आप लोगों ने अभी भी देखा होगा कि जैसे ही बजट आया तो शेयर बाजार धड़ाम से गिरा, अब शेयर बाजार कवर अप कर रहा है। तो जो कि जब वित्त मंत्री कुछ बोलती हैं तो उसका आधे घंटे बाद पूरा जो समरी आता तब क्लियर होता है। तो निश्चित तौर से मुझे लगता है कि आधारभूत संरचना को मजबूत करने वाला बजट है और इसके दूरगामी परिणाम होंगे और सकारात्मक परिणाम होंगे।
बिल्कुल देखिए निशु, जिस तरीके से चैंबर के लोग जैसे बता रहे थे कि आने वाले समय में इसका अच्छा परिणाम सामने आएगा, आप किस तरीके से देखते हैं? काफी दिनों से आप बजट देखते आ रहे हैं, इस बार का बजट को किस तरीके से देखते हैं? देखिए, इस बजट में खास बात ये लग रही है कि लोग ये सोचते थे नौकरी की संभावना केवल सरकारी नौकरी है, इस बजट से ऐसा लगता है कि नौकरी की संभावनाएं केवल सरकारी नौकरी नहीं है, प्राइवेट सेक्टर में भी नौकरी की बहुत संभावनाएं हैं। और जो प्रावधान बजट में किए गए हैं उससे निश्चित रूप से प्राइवेट सेक्टर में और अन्य क्षेत्रों में रोजगार भी उपलब्ध होंगे और नौकरी की संभावनाएं भी बढ़ेंगी। बिल्कुल, देखिए जिस तरीके से उन्होंने बताया कि जो आदमी सोचता है, चाहे आम पब्लिक सोचता है, चाहे युवा सोचता है सरकारी नौकरी के बारे में, लेकिन जिस तरीके से इस बार की केंद्र की बजट में 500 कंपनियों को मिलाकर एक कंपनी बनाकर नए युवाओं को रोजगार देने की बात है, जैसे उन्होंने कहा, निश्चित तौर पर जो चैम्बर के लोग हैं उनका कहना है कि जो बजट आया है वो मिला जुला है, एक क्षेत्र में जरूर अच्छा काम कर रहे हैं, जो जो पर्यटन के क्षेत्र में, जिस तरीके से लोगों ने कहा कि झारखंड में भी पर्यटन के बड़ी अपार संभावनाएं हैं, झारखंड को कहीं ना कहीं देखी की गई है, झारखंड में भी कई ऐसे पहाड़, नदी, नाला, झरने हैं जहां पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए किया जा सकता था, लेकिन उससे थोड़ी निराशा जरूर है, लेकिन इंडस्ट्री के क्षेत्र में जिस तरीके से बड़े हब लाने की बात कही जा रही है उससे कहीं ना कहीं थोड़ी संतुष्ट दिख रहे हैं। जी निशु और प्रभात, यही नहीं साथ ही साथ इनकम टैक्स, नई टैक्स रिजीम की अगर बात करें तो उसमें 7.75 लाख तक की इनकम टैक्स फ्री भी किया गया है, तो इस बजट में बहुत कुछ है। और जब हम युवाओं की बात करते हैं, स्टूडेंट्स की बात करते हैं, तो ऑल ओवर द इंडिया के स्टूडेंट्स आ जाते हैं, युवा आ जाते हैं इसमें। हालांकि कई सारे गांवों को भी फोकस किया गया है इस बजट में, बहुत कुछ हुआ है, तो वहां पर अगर कोई महिला है तो जरा उनसे भी बातचीत कीजिएगा, क्योंकि महिलाओं को लेकर के भी फोकस किया गया है इस बजट में। देखिए निशु, यहाँ तो कोई महिलाएं नहीं है, लेकिन आपने सही कहा कि जिस तरीके से महिलाओं को लेकर फोकस किया गया है बजट में, चाहे वो प्रधानमंत्री आवासीय योजना की बात करें या फिर अन्य जो योजनाएं जो है वो आने वाले समय में आएगा, तो उसको कहीं ना कहीं महिलाओं को भी ध्यान में रखा, क्योंकि खुद एक महिला है वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण, तो कहीं ना कहीं महिलाओं को भी जरूर ध्यान दिया है। और आपने जो कहा टैक्स पे, जिस तरीके से टैक्स के बारे में अगर हम जानना चाहेंगे तो निश्चित है, देखिए ये जो चैम्बर के ये हैं वो टैक्स देखते हैं, जीएसटी देखते हैं, तो उन्होंने पहले भी बताया कि जो टैक्स को लेकर जो आया, आप जिस तरीके से बात कह रहे थे कि जो अनुपूरक बजट में आया, तो इस बार का जो टैक्स स्लैब जो रहेगा उसमें कुछ आपको अंतर नजर आ रहा है? देखिए, टैक्स स्लैब में कुछ अंतर तो हुआ है डेफिनेटली। 3 लाख तक जो बेसिक छूट था वो अभी तक वो इंटैक्ट ही है, लेकिन जो 3 से 5 था वो बढ़ा करके मेरे ख्याल से उसको 6 कर दिया गया, मैं 1 सेकंड बता देता हूँ। हाँ, उसको बढ़ा करके 3 से 7 कर दिया गया है, और 7 जो पहले 6 से 9 था उसको बढ़ा करके 7 से 10 कर दिया गया, और जो 9 से 12 था उसको बढ़ा करके 10 से 12 कर दिया गया। तो ये बेसिक चेंज आया जिसमें मुझे लगता है कि ओवरऑल करीबन एक इंडिविजुअल जो सैलरी एम्प्लॉयड है उसको करीबन 20,000 तक का फायदा जरूर मिलेगा अपने टैक्सेशन में। बिल्कुल, देखिए निशु, जिस तरीके से कह रहे हैं कि जो भी इंडिविजुअल सैलरी वाले हैं उसको कहीं ना कहीं 20,000 रुपए तक का फायदा पहुंचेगा। हुआ है सोने चांदी का भी दाम घटा हुआ है, क्या कुछ कहेंगे? कस्टम ड्यूटी वगैरह उस पर घट गई है, इस पर भी प्रतिक्रिया लीजिए उनसे। बिल्कुल, देखिए जान लेते इधर आप। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, सोने चांदी का भी दाम घटा है इस बार, तो उसको किस तरीके से देता है? सोने चांदी में भी ड्यूटी कम हुई है। चलिए आप आ जाइए, आपसे जान लेते हैं कि लगातार जो धातुओं का दाम बढ़ा था पिछले दिनों, लगातार सरकार चिंता व्यक्त कर रही थी, और फिक्की वगैरह सभी जो बड़े संस्थान हैं, बड़े औद्योगिक संस्थान हैं, वो लोग भी इस बारे में सरकार को चेता रहे थे। तो निश्चित तौर से सरकार ने संजीदगी से लिया है इसको, और ये अगर आएगा तो निश्चित तौर से मुझे लगता है कि एक बड़े वर्ग को फायदा होगा। सोना चांदी में भी कुछ टैक्सेस में कस्टम आपका बोला गया कि कम हुआ है इसमें, तो उससे क्या होगा, ओवरऑल जो सोना चांदी का रेट होगा वो कम होगा, और काफ़ी टाइम से लोगों का ये बात भी था कि सोना चांदी में किसी तरह का रेट कम नहीं हो रहा, उसमें क्या होगा, तो अब ये फाइनली माने जो कस्टम घटाया गया है, और ऐसे क्या है, जितने भी सामान होते हैं जिसमें कस्टम घटाया जाएगा तो ओवरऑल उसका रेट कम हो जाता है, तो सोना चांदी का रेट कम होगा, मोबाइल फ़ोन्स का भी रेट कम होगा, उसका एक्सपोर्ट में भी हम लोग का काफ़ी डेवलपमेंट होगा, क्योंकि मोबाइल फ़ोन का जो गवर्नमेंट का जो मोबाइल पार्ट्स में जो अंदर का जो मदरबोर्ड होता है और अलग अलग पार्ट्स होता है उसका जो मार्जिन है उसको 15% घटा दिया गया है, जिससे ओवरऑल जो है मोबाइल का बनाने का जो कीमत है कम हो जाएगा, तो उससे कस्टमर्स और जो ग्राहक है उनको भी कम में मोबाइल फ़ोन मिलेगा। महिलाओं पर भी फोकस किया है मोबाइल मेन आपका, देखिए महिलाओं पे फोकस हुआ है जो सैलरी होल्डर्स है स्पेशली, क्योंकि महिलाएं जो बहुत जन अलग अलग जगह जॉब करते हैं उनको काफ़ी दिक्कत होता था, क्योंकि सैलरी होल्डर्स को ऑलरेडी शुरू से काफ़ी ज़्यादा टैक्स देना पड़ता है, तो जो
स्टैंडर्ड डिडक्शन जिसको बोलते हैं, जो आपका टैक्स में मिलता था इनकम टैक्स में वो 50,000 था, उसको घटाकर उसको बढ़ाकर 75,000 कर दिया गया है। तो इससे ओवरऑल ये होगा कि जितने भी सैलरी होल्डर्स हैं उनको 5,000 से लेकर 7,000 तक का टैक्स कम देना पड़ेगा। देखिए निशु, देखिए जैसे आपने कहा कि महिलाओं के बात पर, तो इन्होंने बहुत अच्छी बात बताई कि जो महिलाओं का जो पे शिप जिसको मिलता था, जो पे होल्डर थे, उसको कहीं ना कहीं पहले 50,000 था, अब 75,000 कर दिया, तो महिलाओं को भी कहीं ना कहीं 5,000 से 7,000 का फायदा होगा। साथ ही जो पुरुष वर्ग है उसे भी कहीं ना कहीं फायदा होगा। और एक तरह से ओवरऑल बोले तो युवाओं पर को ज्यादा फोकस किया, क्योंकि रोजगार की बात पिछले बार की चुनाव में ये बहुत बड़ा मुद्दा बना था कि रोजगार नहीं मिल रहा युवाओं को, तो उसको भी ध्यान में रखा। जिस तरीके से 500 बड़ी मल्टीनेशनल कंपनियों को बनाकर उसमें स्टाइपेंड के रूप में 6,000 रुपया दिया जाएगा, जो युवा है उसको ट्रेनिंग दी जाएगी, तो कहीं ना कहीं कह सकते हैं कि युवाओं पर भी ये फोकस किया गया है इस बजट में। जी प्रभात, तो इसमें इस बजट में बहुत कुछ है। हालांकि एक चीज हमने जरूर देखी प्रभात, की उत्साहित नहीं है बजट से, क्योंकि बजट को लेकर के सबको इंतजार था, आपने जितने भी लोगों से बात की उत्साह नजर नहीं आ रहा है। सवाल ये है, इनका कहना है कि झारखंड के लिए बहुत कुछ नहीं दिया गया है, क्या कहेंगे? बिल्कुल, देखिए झारखंड में जिस तरीके से बिहार और उड़ीसा को पर्यटन के क्षेत्र में बढ़ावा देने को लेकर जो इन्वेस्टमेंट की जाएगी, चाहे वो बीचेस की बात हो या फिर बोधगया है, फिर राजगीर है, इन क्षेत्रों को कॉरिडोर बनाया जाएगा, जैसे काशी विश्वनाथ में कॉरिडोर बनाया गया, उसके लिए पैकेज रखा गया है। लेकिन झारखंड को कहीं ना कहीं थोड़ी अनदेखी की गई है। जैसे इन लोगों ने कहा कि झारखंड के जो सांसद हैं उन्हें कहीं ना कहीं ये बातें रखनी चाहिए, क्योंकि झारखंड भी पर्यटन के दृष्टिकोण से देखेंगे तो बहुत बड़ा सेक्टर है, चाहे वो दशम हॉल की बात कर लें, फिर अन्य झारखंड के अन्य जगहों पर जहाँ हरियाली है, जहाँ बड़े बड़े झरने हैं, जहां नदियां बहती हैं, तो उसको भी अगर पर्यटन के दृष्टिकोण से अगर उनके लिए भी कुछ पैकेज होता, उनको भी उसको झारखंड को भी शामिल किया जाता, तो झारखंड में पर्यटन के साथ साथ रोजगार के सृजन, क्योंकि जब बड़ा प्रोजेक्ट कोई आता है तो रोजगार का भी सृजन उत्पन्न होता है। कि मान लीजिए कुछ बड़ी कंपनियां आएगी, बड़ी इन्वेस्टर आएंगे, तो अगर उसमें इन्वेस्ट करेंगे तो आसपास के क्षेत्र का जो विकास होगा, आसपास गाँव का विकास होगा, वहां पर लोगों को रोजगार मिलेगा, जो गाँव के लोग हैं, जो आसपास के लोग हैं, तो ये रोजगार के क्षेत्र में भी एक बढ़ावा मिलता है। लेकिन कहीं ना कहीं थोड़ी निराशा जरूर इन लोगों को लगी है कि झारखंड को जिस तरीके से उम्मीद थी, उस तरीके से झारखंड में वो सारी जो चीजें होनी चाहिए थी वो नहीं हो पाई। लेकिन एक तरह से कहें, जो चैंबर के लोग बता रहे हैं कि ओवरऑल मिलाकर अगर हम देखें तो मिला जुला बजट है, और बजट को लेकर वो आप सही कहे कि वो उत्साह जो रहता है वो नहीं आ रहा है, नजर नहीं आ रहा है। लेकिन जो सोने चांदी में जो कस्टम ड्यूटी घटाई है, उससे निश्चित तौर पर ये देखा जा रहा था कि सोने चांदी का जो दाम है लगातार बढ़ता जा रहा था, तो उसमें कहीं ना कहीं थोड़ी कमी आएगी। जो लोग सोने चांदी या फिर शादी ब्याह में खरीदारी करते हैं बड़े पैमाने पर, उनको जरूर थोड़ी सी राहत मिलेगी। ठीक है प्रभात, एक बार हम अपने दर्शकों को बता दें कि बजट में 7 बड़ी बातें क्या रही। पहले नौकरी वालों के लिए क्या रही वो जान लेते हैं। 1,00,000 रुपए से कम सैलरी होने पर ईपीएफओ में पहली बार रजिस्टर करने वाले लोगों को 15,000 रुपए की मदद 3 किस्तों में मिलेगी। और साथ ही साथ आपको बता दें कि बिहार और आंध्र प्रदेश के लिए भी यहां पर बड़ा तोहफा देखा गया है। एजुकेशन के लिए भी बड़ा रिलैक्सेशन दिया गया। प्रभात, नजर बनाए रखिएगा, लगातार हम आपसे अपडेट लेते रहेंगे। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया आपका इन तमाम जानकारियों के लिए। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।